ओके सो वी आर लाइव नाउ. वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु. हाउ आर यू ऑल? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग चेष्टा, वेरी गुड इवनिंग राधा, सीमा, वेरी गुड इवनिंग ज्योति, वेरी गुड इवनिंग स्मार्ट बॉय, वेरी गुड इवनिंग. सबसे पहले तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए आई एम ऑडिबल, विजिबल, ऑल गुड. तो उसके बाद आगे सेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज थोड़ी सी अभी मुझे लॉग इन करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी. तो पहले आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए. जी ओके, सो आई एम ऑडिबल और नॉट? ओके ठीक है शिलू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ठीक है जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग. चलिए बहुत बढ़िया. सीमा, रमा, ज्योति, स्मार्ट बॉय, प्रकाश, पूनम, वेरी गुड इवनिंग. ऐशा, पूनम चौहान, वेरी गुड इवनिंग. राहुल, रेनू, पिंकी, शीलू, वैष्णवी, आई थिंक इट्स वैशाली. ठीक है, यस सिस्टर, क्रिएटिविटी इज वैशाली जहां तक मुझे याद है. अयान, अभिषेका, शंपू, पिंकी, अरविंद, शकुंतला, यशी, वेरी गुड इवनिंग. नरगिस, फातिमा, वेरी गुड इवनिंग. लेखिका, नरगिस, शकुंतला, तीश, सूरज. वी हैव थ्री पूनम्स टुडे. ओके, वन इज पूनम देवी, रुचि, शकुंतला, बबीता, स्वप्निका, जैन, लक्ष्मी, शरद, रंजीता, रानी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? ऋषि, दीपक, आशीर्वाद, आशीर्वाद दीपक, अनुराधा, प्रकाश, सुनील, सुनील, वी हैव टू सुनील टुडे. ठीक है, एक सुनील गौतम है और एक सुनील सिंह है, तो दोनों को ग्रीट कर रही हूँ मैं. चलिए बहुत बढ़िया. राधा, कोली, शालिनी, सरोज, प्रवेश, रुचि, ऋषि, आर्ट एग्जाम ऑफ पीजीटी, आफशा. ठीक है जी, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है जी, सबका नाम लूंगी तो आधा सेशन ऐसे चला जाएगा. तो सबको सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग है. बाद बाद में जो आते जाएंगे सबका नाम क्या है बीच में लेते जाएंगे. ठीक है जी, आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करेंगे. आज का जो हमारा सेशन है, जो भी फिलहाल 2 वीक से नहीं हो रहा था, रीजन क्या था? देखिए, जब हम आर्ट का जो करंट है इसकी बात करते हैं, करंट अफेयर्स की, तो अप्रॉक्स जो है काफी सारा करंट जो आर्ट से रिलेटेड है ये हम लोग कवर कर चुके हैं. अब समझ लीजिए कि अगर हम पूरे एक साल की बात करें, क्योंकि जब आपका लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसके बाद की भी बात करें, मुख्य रूप से देखिए वैसे तो लास्ट जो 10 महीने का करंट होता है ना वही हम लोग देखते हैं अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें. लेकिन अगर हम अपने आर्ट के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए कोई कोई जो पेंटर है उसकी किसी पेंटिंग की एग्जीबिशन अगर लगी है और वो सुर्खियों में आ गया, तो उसके बाद जो है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. यानी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपने ये नहीं समझना है जैसे मान लीजिए बात करें, फॉर एग्जाम्पल सुबोध गुप्ता की बात करते हैं जी, समसामयिक हमारे कलाकार हैं, अगर उन्होंने कोई एग्जीबिशन लगाई है, ठीक है, वहां पर उनकी जो कृतियां हैं उनको दिखाया जा रहा है, उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको दिखाया जा रहा है. लेकिन होगा क्या कि जरूरी नहीं कि आपको वही पूछा जाएगा, हो सकता है उनसे संबंधित कोई और चीज भी आपको पूछ ली जाए. यानी कि जो चीज सुर्खियों में बनी रहती है उनसे संबंधित आपको कुछ भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है. तो इस तरह से करना क्या है, खासकर जब हम कला की बात करते हैं तो आपको एक बार जो है डिटेल से थोड़ा सा देख लेना है कि भाई किस किस तरीके से चीजें आगे जा रही हैं. ठीक है जी, आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, जो बच्चे क्लास में नए हैं करेंगे क्या, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे. कल होप सो मैं आपको आज का और पिछले कल का दोनों जो पीडीएफ्स हैं आपको क्लास के मिल जाएंगे, लिंक आपके सामने है और इस कोड को स्कैन करके भी आप सीधा सीधा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं. बात करेंगे अगर यूपी टीएचटी पीएचटी एनवीएस केवीएस और डीएसएसबी की,
तो सुबह से 9 बजे से ही क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। 9 बजे संजय सर जो है ज्योग्राफी के लिए लाइव रहते हैं, 10 बजे मलिक सर लाइव रहते हैं, 11 बजे से जो है बायोलॉजी के लिए प्रियंका मैम लाइव रहती हैं, 12 बजे इंग्लिश के लिए अदिति मैम लाइव रहती हैं, 1 बजे से पूनम मैम इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेती हैं, 6 बजे विप्ल सर हैं ये साइकोलॉजी की क्लासेस आपकी कंडक्ट करते हैं, 7 बजे से प्रशांत सर स्पेशल एजुकेशन के लिए लाइव रहते हैं, 8 बजे हम लोग रोज लाइव रहते हैं, और हमारे बाद 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है बाय गगनेंद्र सर। ठीक है जी, तो यहाँ तक पता चल गया। फटाफट से आप करेंगे क्या, आज का सेशन जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया जी, आजकल हमारी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। सॉरी गाइस, टेलीग्राम का लिंक है इसमें। ठीक है शकुंतला, टेलीग्राम का लिंक है। देखिए अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रही है ना, कभी कभी होता क्या है कि अगर आपका जो अपना टेलीग्राम आईडी है उसको एक बार आपने करना कि उसको अपडेट करिए, कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है। अपडेट करेंगे उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो करेंगे क्या, एक एक करके 25 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे, लेकिन हमारे 25 क्वेश्चन इज इक्वल टू मोर देन 100, है ना जी। क्या है, 25 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे लेकिन इज इक्वल टू 100+ क्वेश्चन जो है आप समझ सकते हैं, जब इनकी हम लोग डिटेल भी देखेंगे। जिसको आंसर नहीं आएगा, कोशिश उन्होंने भी करनी है कि आंसर्स देने हैं। रीजन क्या है, थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा, चीजें थोड़ी धीरे धीरे समझ में आती जाती हैं। ठीक है जी, सो हियर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने किसको रोगन पेंटिंग भेंट दी है। किसको दी है, ऑप्शन ए है महारानी मार्गेट, ऑप्शन बी बाबा योगेंद्र, ऑप्शन सी है जो बाइडन, या है एंटनी अल्बनीज। किसको इन्होंने रोगन पेंटिंग गिफ्ट की है। बिल्कुल, उर्दू वर्ड भी आते हैं भाई, आप यूपी में हैं, अगर आपको उर्दू के वर्ड ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ ओके शकुंतला, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बीएड कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया है। देखिए, और ये मेरी तरफ से सबके लिए मैसेज है भाई, जिनका बीएड कंप्लीट नहीं है ना, करना क्या है, देखिए गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं होता है, 25 तक जो है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हो सकता है इसके बाद बीएड हर एग्जाम के लिए कंपलसरी कर ली जाए। जैसे अभी कहीं कहीं पे अगर हम खासकर जो है ना आर्ट की बात करते हैं, कुछ क्षेत्रों में लड़कियों को यहाँ पर जो है छूट मिल जाती है, लेकिन करना क्या है, सबने बीएड जो है कंपलसरी तौर पे अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो उसको कर ही लेना है, जिन्होंने नहीं भी की है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे क्या है, ठीक ओके, देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो आंसर हैं वो गलत हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एकदम सही होगा। क्या है, महारानी मार्गेट जो है इनको रोगन पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इन्होंने मई में गिफ्ट की है। अभी जो आप जो सोच के आंसर दे रहे हैं ना, वो किसको दी है, वो जापान के प्रधानमंत्री थे काशीदा, उनको दी थी जब हमने पिछली बार पढ़ा था। ठीक है, अब याद आया होगा, बिल्कुल सुनील, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनको भी इन्होंने रोगन पेंटिंग गिफ्ट की है, लेकिन फर्क क्या है, अभी आपको जब मैं डिटेल बताऊंगी पता चल जाएगा। देखिए जो महारानी मार्गेट को दी गई है ये प्रॉपर एक पेंटिंग है, और जो काशीदा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनको जो गिफ्ट की गई है वो इट्स क्या है, वो पेंटिंग के साथ एक बक्सा भी है लकड़ी का। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोगन चित्रकारी किससे संबंधित है, कपड़े पर चित्रकला, स्टील पर चित्रकला, प्रस्तर पर चित्रकला, या कालीन पर चित्रकला। अब होगा क्या, यहाँ पर हम लोग क्या है, एक तरह से आपकी रिवीजन हो रही है, जो हमने लोक कलाएं पढ़ी थी वहां पर मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ये चीज भी आपकी कवर हो जाएगी। बिल्कुल रामा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका एकदम सही हो जाएगा। क्या है, कपड़े पर चित्रकला। रोगन चित्रकारी में रोगन शब्द का क्या तात्पर्य है, ठीक है, शब्द का जो तात्पर्य है बताना है आपको, क्या है, तेल है, रंग है, कपड़ा है, या कैकिल है। बिल्कुल देखिए, अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं कितने आंसर यश के ए वाले सही होते हैं। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा जी,
बिल्कुल जी, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। ओके, चेष्टा। ठीक है जी, मनीषा और रंजीता आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा तेल। क्या है जी यहाँ पे, रोगन का जो वर्ड है ना, रोगन जो वर्ड है इसका अर्थ होता है तेल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की यात्रा पर गए थे। अब वहां पर डेनमार्क की जो महारानी थी उनसे भी ये मिले, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है मार्गेट सेकंड। क्या है? मार्गेट सेकंड उनका नाम है। नरेंद्र मोदी जी ने इनको, क्यों, कौन, जो यहाँ की क्वीन है, उनको जो है एक रोगन पेंटिंग गिफ्ट की है। और ये जो रोगन पेंटिंग है, ये बेसिकली अगर बात की जाए कि भारत के कौन से क्षेत्र में इसको बनाया जाता है, तो जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है वहीं पर इस पेंटिंग को, ये इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं जी? कपड़े पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इसको बनाने का एक प्रोसेस है और ये काफी टफ प्रोसेस माना जाता है। इसमें उबलता हुआ जो तेल होता है उसी में ही जो वनस्पतिक रंग है उनको डालकर उनको पकाया जाता है अच्छे से, और उसके बाद जो धातु के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ब्लॉक पेंटिंग देखी आपने, उन्हीं को इस इन कलर्स में डिप करके कपड़े पर इसके छापे लगाए जाते हैं। कहीं कहीं पे स्टेंसिल भी यूज किए जाते हैं। क्या है? कहीं कहीं पे स्टेंसिल भी यूज किए जाते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप देख लेंगे। कहीं कहीं पर इसके जो है कुछ, अब जो स्टेंसिल बनने लगे हैं वो भी यूज किए जाते हैं। अब है क्या, अगर हम बात करें इस समय पर, ये जो पेंटिंग है, जो रोगन पेंटिंग है, बहुत कम लोग इसको बनाते हैं। कुछ एक ही फैमिलीज हैं जिनको ये बनाती है, क्योंकि ये काफी टफ है इसको बनाना। इसकी जो प्रोसेस है उसमें काफी टाइम लगता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि रोगन जो शब्द का अर्थ आपको पूछा जा रहा है, इसका अर्थ होता है तेल, क्योंकि बेसिकली ये तेल में ही पकाकर जो है बनाई जाती है। और ये तेल भी कैसा होता है, अरंडी का जो बीज है उसी से तेल निकाला जाता है और उसी को यूज किया जाता है पेंटिंग के लिए। ठीक है जी, अब देखिए, अब क्या है, ये आपके सामने कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की जो महारानी है मार्गेट, उनको आप साथ में देख पा रहे हैं। अब इसके बाद ये क्या है, रोगन पेंटिंग के साथ लकड़ी का बक्सा है। देखिए, ऐसे तो क्या है, ये रोगन पेंटिंग भी बनाई जाती है अलग से, अब आप समझ गए होंगे। जब स्पेसिफिक हम पेंटिंग की बात करेंगे तो वहां पर इसी तरह से एक क्या है, अलग एक पेंटिंग बनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि एक पेंटिंग बना दी है और क्या है, इसमें लकड़ी का बक्सा नहीं बनाया गया है। लेकिन मुख्य रूप से जो बनाया जाता है, जो वहां की लोक कला है, वो इस तरह का जो लकड़ी का बक्सा है जिस पर नक्काशी की जाती है, इस तरह से लकड़ी के बक्से पर नक्काशी करके फिर जो पेंटिंग है उसको इस तरह से ऊपर से लगाया जाता है। अब ये जो स्पेसिफिक आप इमेज देख पा रहे हैं, ये जो बक्सा देख पा रहे हैं लकड़ी का, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है, अगर आपको याद आया होगा तो, करंट अफेयर्स में ही हमने इसको कवर किया था। ठीक है जी, जो जापान के प्रधानमंत्री किशिदा थे, उनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रोगन पेंटिंग गिफ्ट की थी वो बिल्कुल यही है। ठीक है, यही है, इसमें ये जो बक्सा है ये भी साथ में है। ठीक है, यही जो पूरा बक्सा है यही इन्होंने उनको गिफ्ट किया है। अब इसकी जो है मीडिया में इसकी काफी सारी तस्वीरें आ गई थी, इसलिए आप लोग भी देख पा रहे हैं। और अगर हम पेंटिंग की बात करेंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग होगी, इस तरह का बक्सा नहीं होगा। लेकिन मुख्य तौर पे जब बात की जाए तो इन दोनों को इस तरह से साथ में बनाया जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा डिटेल से। हाँ बिल्कुल बबीता, अब आपको याद आ गया, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैंने वही डालूं, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या ना, मान लीजिए एक ही तरह से, अब उनको भी नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट की है, इनको भी उन्होंने गिफ्ट की है। अब हो सकता है कि मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए और वहां पे अगर आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने वही दिखाई है कि भाई ये वाला किसका है, जो जापान को दिया था हमने ये वो बक्सा है, और उनको क्या दी है, डेनमार्क वालों को हमने सिर्फ पेंटिंग दी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। हो सकता है आपको दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो उसका आंसर जो है तीसरा जरूर होगा कि दोनों ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का कहाँ आयोजित किया गया है? ये मलयालम राज्य में, तेलुगु राज्य में, कन्नड़ राज्य में या तमिल राज्य में? अब यहाँ पे स्पेसिफिक जो है, आप लोगों को कोई जगह नहीं बताई गई है, बस राज्य का नाम बता दिया गया है कि मलयालम राज्य में, तेलुगु राज्य में, कन्नड़ राज्य में या तमिल राज्य में। चलिए बाकी क्वेश्चन तो देखिए नए ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन सारे नए हैं जो आपने, क्योंकि करंट अफेयर्स की जब हम बात करेंगे यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, रिवीजन सेशन चलाएंगे, वहां पे कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से उठा के मैं डाल देती हूँ कभी कभी। ठीक है जी, तो वहां पे क्या है, आपको पता चल जाता है कि चीजें कितनी याद है। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, तेलुगु राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 2022 का संस्कृत महोत्सव कितने चरणों में आयोजित किया गया है? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में या 5 चरणों में?
2022 का सांस्कृतिक महोत्सव। और जब भी हम सांस्कृतिक महोत्सव की बात करेंगे, यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पे आर्ट वालों का क्या काम है, क्योंकि जब भी संस्कृति की बात आएगी, आपको पता है यहाँ पर क्या है, हम लोग सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे, आर्ट वाले। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल क्या होगा जी, कितने हैं, सॉरी बिल्कुल बी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 3 चरण। कोई बात नहीं, क्या है, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 3 चरणों में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा कब शुरू की गई थी, 2012 से, 2015 से, 2016 से, या 2017 से। बिल्कुल राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव की शुरुआत भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा कब शुरू की है, कब होगा जी, आपको क्या करना है, 6 का आंसर देना है। बिल्कुल इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, और ये किसका आंसर आया है, ठीक है जी, यशी आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने कोशिश की, आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 2015 इज द राइट आंसर। चलिए अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे। देखिए 12वां राष्ट्रीय संग्रहालय, सॉरी 12वां राष्ट्रीय संस्कृत जो महोत्सव है 2022 का, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी कि जो तेलुगु राज्य है वहां पर इसको क्या है, सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है जी, पता चल गया हमें। अब इसके साथ देखिए, इसको जो आयोजन है कब से कब तक किया गया है, तो 26 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जो है ये महोत्सव मनाया गया था। अब ये जो महोत्सव है यहाँ पर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो देखिए जब भी संस्कृत महोत्सव की बात आएगी वहां पे हर तरह की कला जो है उसको आप देख पाएंगे, चाहे आप बात करें जितनी भी हमारी लोक कलाएं हैं, पारंपरिक कला कलाएं हैं, आदिवासी कलाएं हैं, शास्त्रीय कलाएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं। अब आपने ये नहीं समझना है, यहाँ पे हम चित्रकला की भी बात करेंगे, मूर्ति कला की भी बात करेंगे, यहाँ पर हम नृत्य कला की बात करेंगे, संगीत कला की भी बात करेंगे, यानी कि क्या है, ये पूरा सांस्कृतिक महोत्सव है। और यहाँ पर आपको जितनी भी हमारी संस्कृतियां हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हैं, सब एक जगह देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसकी शुरुआत हमारे जो भारत का संस्कृत मंत्रालय है उन्होंने 2015 से इसकी शुरुआत की है, यानी 2015 से ही हमने इसको मनाना शुरू किया है। ठीक है जी, चलिए ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भाग्य विधाता महोत्सव मार्च 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था, कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया है, ये समझना है आपने। लाल किले में, आगरा का किला वहां पर सेलिब्रेट किया गया है, वहां पर मनाया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया था, या फतेहपुर सीकरी में, या गोलकुंडा में, कहाँ पर इसको आयोजित कराया गया था। प्रियांशु ओके, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए और जितना भी अगर हम बात करेंगे ना, जो टॉप मोस्ट है, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे, अभी रिसेंटली रिसेंटली कई काम हुए हैं, मैक्सिमम हम लोग कवर कर चुके हैं। आप में से अगर कुछ स्टूडेंट नए हैं, करना क्या है, करंट अफेयर्स की जितनी अभी तक क्लासेस लगी हैं एक एक करके, वैसे हम लोग सैटरडे को करंट अफेयर्स लेते थे लेकिन यहाँ 2 वीक से नहीं हो पा रही थी, ठीक, तो उसको आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है जी, 7th का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। और जब देखिए हम लाल किले की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको लाल किला महोत्सव इस नाम से भी हम लोग पुकारते हैं, क्यों, क्योंकि लाल किले पर ही इसको मनाया गया है। मुख्य रूप से ये है क्या है, तो मुख्य रूप से जी ये जो है भारत भाग्य विधाता आयोजन था, और इसको जो हम आजादी के, जो हमारे स्वतंत्रता के 75 साल यानी आजादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसी में ही उसी उसी के अंतर्गत इस आयोजन को जो है कराया गया था ऑर्गेनाइज। ठीक है, जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसी में ही इसका एक हिस्सा हम लोग कह सकते हैं, एक हिस्सा ये आयोजन भी था। अब अगर हम बात करेंगे कि भाई इसका जो उद्घाटन है किसने किया था, तो महिला और बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 25 मार्च 2022 को, यानी कि क्या है, इसी साल का है, मार्च की बात की जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, 10 दिवसीय मेगा लाल किला जो महोत्सव है जिसको क्या है, भाग्य भारत भाग्य विधाता
ये इस तरह का जो उसका नाम था, इस नाम से क्या है इसको जो है ऑर्गेनाइज कराया गया था। अब यहाँ पर है क्या है, मुख्य रूप से जब हम बात करेंगे ना, यहाँ पर आपको अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो दिखाई देंगी, जो हमने पूरा सेलिब्रेट किया है। लाइट एंड साउंड शो थे, जो क्रैकर शो होते हैं वो, उस तरह के कई शो ऑर्गेनाइज यहाँ पर कराए गए थे। इमेज जो है आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से समझ जाएंगे, इसलिए यहाँ से एक ही क्वेश्चन मैंने डाला था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवाभत्नम 2022 दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? क्या है जी ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन अभी पता चल जाएगा क्यों। हम्पी कर्नाटक में, कुच्चिकोड में, सी मदुरई तमिलनाडु में, या डी कोलकाता वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर? सॉरी, देखिए इस तरह के कमेंट्स नहीं आने चाहिए, जो भी है मोटिवेशनल वीडियो योर लाइफ, आपका नाम लेके मैं कह रही हूँ, इस तरह के कमेंट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आप लोग भारत का भविष्य हैं, आने वाले जो हैं आप लोग, भाई भाभी आप लोग टीचर्स हैं, आपके मुंह से इस तरह की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, आपके कलम से, आपके कीपैड से इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, ठीक है? प्लीज मैं बार बार कहती हूँ, स्त्रियों का सम्मान करिए, ये जो आप लिख रहे हैं बहुत गलत है, ठीक है? ये जो है ना, ये यूट्यूब और जो कुछ वो बेकार से सोशल साइट्स होती है ना, उनके काम होते हैं बेटा, ये आप लोगों के नहीं है, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे एक तो कोई कास्टिज्म की ये वो इस तरह की बातें नहीं आप लोग करेंगे, और दूसरा कभी किसी पे इस तरह के कमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है? मे भी हो सकता है आपकी फैमिली के किसी के बारे में कोई इस तरह का कमेंट करें, तो ये अच्छी चीज नहीं है। और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आपका क्या है, देखिए आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहे कोई भी हैं, सब हैं, सबसे पहले अपने भारत का, यहाँ के जो हमारे मुखिया हैं उनका, यहाँ के संविधान का, सबसे पहले आपने उनका सम्मान करना है, उसके बाद बाकी चीजें बाद में है, ठीक है? जिनके लिए आप काम करने जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये आप लोगों के लिए लेसन है, चाहे कोई भी है, वट एवर जो भी हो, इस तरह के कमेंट्स एटलीस्ट मेरी क्लास में नहीं आने चाहिए। रंजना बिल्कुल पी रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, हम्पी कर्नाटका में। देवाभत्नम सम्मेलन किस मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है? पट्टाभिराम में, कैलाश मंदिर में, मीनाक्षी मंदिर, या बीरभट्ट मंदिर लेपाक्षी, कहाँ पर? और मेरी बड़ी प्रॉब्लम है शायद ये कि मैं मैक्सिमम जो कमेंट्स है मैं चेक करती रहती हूँ, कुछ एक कभी छूट जाए तो अलग चीज है। और रीजन क्या है कि आप लोगों की क्वेरीज, कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए, ठीक है, कोशिश करें कि इस तरह की कमेंट्स जो है वो नहीं हो। ऋषि आशीर्वाद। और देखिए बींग अ टीचर्स, ये कोई भी है, चाहे कोई भी है, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, बिल्कुल हम लोग भारत के निर्माता हैं, ठीक है भाई? टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है, एक आईएएस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में, सबसे पहले एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक? चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पट्टाभिराम, ठीक है जी। किस प्रसिद्ध परिसर को वरदेवी अंगमा पट्टान, इनका नाम है वरदेवी अंगमाना पट्टान, ये पूरा नाम है, इस नाम से भी जाना जाता है, कैलाश मंदिर है, पट्टाभिराम मंदिर है, मीनाक्षी, या बीर भट्ट मंदिर लेपाक्षी? हाँ प्यूषिका जी बिल्कुल, टेरिस्ट जो टेस्ट सीरीज है प्यूषिका, ये भी हम लोग सोच रहे हैं अभी इसको स्टार्ट करने की, थोड़ा सा हम लोग ऐप पे वर्क कर रहे हैं, अगर ऐप से हो जाता है तो आप लोगों को वहां पे काफी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उसको डिले कर रहे हैं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल आपको नाम से ही पता चल गया है, पट्टाभिराम। और देखिए जब आप नाम लेंगे ना ये पट्टाभिराम, इससे संबंधित एक और फैक्ट जो है आपको नाम में ही पता चल जाएगा, ठीक है जी। बात करेंगे देवायतनम, अब देवायतनम क्या है, देवायतनम जो है ये जो पूरा एक ये जो अंतर्राष्ट्रीय पूरा इस तरह का जो सम्मेलन हुआ है, इसको जो सम्मेलन ही कह सकते हैं, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका नाम है, ये कोई मंदिर का नाम नहीं है, पहले तो आप लोगों ने ये समझ लेना है, क्या है देवायतनम जो है, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था, ये उसका थीम है, उसका नाम है। मंदिर की बात करेंगे तो पट्टाभिराम मंदिर है जहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब यहाँ पर किया क्या गया है, देखिए ये जो है, जो हमारी अगर भारतीय वास्तुकला की बात करेंगे, और वास्तुकला आपको पता है, जब वास्तुकला होगा तो कला से का क्या है, वास्तुकला अभिन्न अंग है, इसके बारे में जब भी बात की जाएगी तो क्या है उसको ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। देखिए भारतीय वास्तुकला की जब हम बात करते हैं तो हमारी भारतीय वास्तुकला का
जैसे जैसे भी विकास हुआ है, उस पूरा उसके जो विकास का, उसके डेवलपमेंट का जो पूरा एक जर्नी रही है वास्तुकला की, यानी पूरी यात्रा रही है इस डेवलपमेंट की, वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और इसके साथ साथ जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है कर्नाटका का, ठीक है, कहाँ का, कर्नाटका का, इन्होंने क्या है, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था ये हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी, यानी जहाँ पे जो हम्पी का पूरा परिसर है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। और मुख्य रूप से जो यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, जो पट्टाभिराम मंदिर का परिसर है अंदर, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था 25 और 26 फरवरी 2022 को। 2 दिन का ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, यानी कि यहाँ पे भारतीय नहीं अपितु वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर प्लेस से यहाँ पर लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। क्या कार्य किया है यहाँ पे, इट्स लाइक अ वर्कशॉप, वो भी ऑर्गेनाइज कराई गई है। किस तरह की वर्कशॉप थी, तो यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर बात की जो हमारी मंदिर शैलियां हैं, ठीक है, जो हमारी मंदिर शैलियां हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। चाहे हम नागर शैली की बात करें, बेसर शैली की बात करें, द्रविड़ शैली की बात करें, इसके साथ साथ मुख्य रूप से जो और भी, जैसे कलिंग है, इसकी बात करें, इन सब के साथ साथ और भी जो मंदिर के निर्माण में जो कई प्रक्रियाएं होती हैं या और भी कई कार्य होता है, वो सब उससे रिलेटेड यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं। कहाँ पर? पट्टाभिराम परिसर में। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया है किशन रेड्डी ने। कौन? जी, किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है, जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री है। ठीक है जी, अब इसके साथ आपको एक चीज और भी समझ लेनी है कि पट्टाभिराम मंदिर जो है, ये देवी अम्माना पट्टाना का जो है ये मंदिर है, इनको कहा भी जाता है। अब ये मंदिर किसका है, नाम से जैसे कि मैंने आपको कहा, जब पट्टाभिराम पूछा जाएगा कि कौन से भगवान को ये जो है ये समर्पित मंदिर है, तो ये भगवान राम को समर्पित मंदिर है। क्या है? यहाँ पर भगवान राम की, जो विष्णु के अवतार थे, उन्हीं को ही समर्पित मंदिर है, उन्हीं की यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये क्या है आपके सामने, पट्टाभिराम मंदिर, ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर कंस्ट्रक्शन है। सोचिए कितने सदियों पुराने ये कंस्ट्रक्शन है और कितनी ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। चलिए, बहुत बढ़िया। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? नोएडा में, नई दिल्ली में, कोलकाता में और लखनऊ में। किसकी बात की जा रही है? भारतीय विरासत संस्थान की। और ये अपनी तरह का भारत का पहला विरासत संस्थान है। क्या है? इट्स ओके पूना, ये गलत हो सकते हैं क्योंकि ये सारे जो है ना, ये सारे करंट अफेयर्स के हैं, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये खुद पता नहीं मैं कहाँ कहाँ से सर्च करती हूँ और इसको मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस क्लास के लिए टाइम लेती हूँ, बिकॉज इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जो भी चीजें हैं फिर जो है वो अथेंटिक है कि नहीं है वो चेक करो। अब ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये सब वो चीजें हैं जो नई हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है कि भाई गलत हो रहा है। ये जब आएगा यहाँ पर, आप लोग पढ़ेंगे तभी आप आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? ओके, मैक्सिमम लोग बी पे जा रहे हैं। ठीक है जी, सीमा आपका आंसर ए बिल्कुल सही है, और एक जगह है सुषमा, राम जगत है। ठीक है, सब लोग दिल्ली सोच के चल रहे हैं। इट्स ओके ऋषि, ये हो सकता है क्योंकि ये नए क्वेश्चन है सारे, इनके बारे में पता ही नहीं है। जब तक मैम नहीं पढ़ेगी तब तक मैम को भी नहीं पता इनके बारे में। क्यों? क्योंकि सब करंट है, नई चीजें अभी हो रही है, कहाँ पता चलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट्स ओके, डीमोटिवेट नहीं होना है, बस ये सोचना है। ठीक है जी, देखिए ये क्या है, नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है, नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान, और ये भारत का पहला विरासत संस्थान है जो यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। नोएडा से है, उत्तर प्रदेश से है, इसलिए ये आप लोगों के लिए और क्या है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ से मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हैं, रीजन क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए करना क्या है, एक बार इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए ये क्या है, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान है। अब विरासत संस्थान क्या होते हैं, जहां पर, यानी कि अगर हम बात करें ना, यहाँ पे आपकी जो पुरानी धरोहरें हैं उनकी बात करें, ऐसा नहीं कि आप उनको देख पाएंगे, लेकिन उससे संबंधित जो भी उससे संबंधित जो भी हमारे पास लिटरेचर होता है उनकी बात करें, उसकी शिक्षा की बात करें, शोध की बात करें, यानी पढ़ाई के साथ साथ क्या है, यहाँ पर इस संस्थान में जो शोध कार्य है वो भी आप कर सकते हैं। इट्स लाइक जैसे एडवांस स्टडीज, ठीक है, उस तरह का ये संस्थान होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो है कहाँ पर है जी, इसकी स्थापना अभी, इसकी सिर्फ जो है ना घोषणा हुई है, अभी ये बनने, कब बन के तैयार होगा, वैसे लगता तो है कि जल्दी बन जाएगा, लेकिन अभी इसकी घोषणा हुई है। और इसकी घोषणा की भी किसने है, तो केंद्रीय जो संस्कृति मंत्री हैं, किशन रेड्डी, इन्होंने ही इसकी घोषणा भी की थी। अगर नाम समझ में ना आए, क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ठीक है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, यहाँ पर आप जो है पढ़ाई के साथ शोध कार्य भी कर सकते हैं, और सीधी सीधी बात है इसे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है पहले तो आपको ये समझना है, ये इसका जो कंट्रोल है यानी कि जो सीधा सीधा जो है हमारी जो केंद्र सरकार होती है ठीक है उनके अंडर जो होता है उनसे जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज हैं उस तरह की केंद्रीय आप कह सकते हैं पूरी पूर्ण रूप से केंद्रीय होगी नहीं होगी जब बनेगा तब पता चलेगा, लेकिन इनको दर्जा दिया जाता है और इसका जो पूरा रख रखाव है इसका जो भी सारा कार्य है वो कौन देखती है केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, इसका जो भी खर्चा होता है ठीक है समझ रहे हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया, अब 12th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सनफ्लावर्स 130 साल पुरानी, ठीक है 130 साल पुरानी पेंटिंग इनमें से किसकी है जो अभी हाल ही में चर्चित रही है, किसकी है? विंसेंट वॉन गॉग है, बी के हेब्बर है, सी सैंड्रो बोती बोती लिखा है यहाँ पे गलत है बोती होगा ठीक है जी, और डी है राम कुमार, किसकी है? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बिल्कुल। हाँ इट्स ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो है ना अभी इसके पहले देखिए इससे पहले जैसे हमने बात की रोमन पेंटिंग के बारे में आपको पता था क्योंकि वो हम करंट में कर चुके थे, अब उससे पहले जब उस समय हमने किया था तो आप लोगों को नहीं पता था। अब ये करंट अफेयर्स होता क्या है ना इसको अगर आप एक बार पढ़ते ही वैसे ही लर्न हो जाता है तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए का जलवा आज ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, विंसेंट वॉन गॉग जो है इसका राइट आंसर है ठीक है जी। देखिए बात करेंगे अगर हम वॉन गॉग की पेंटिंग की बात करते हैं क्या है सनफ्लावर है 1880s के दशक में इन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स बनाई थी, और जब हम इस पेंटिंग की बात करते हैं ना सनफ्लावर की तो आज एक चीज जो आपने समझनी है कि ये इन्होंने सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बनाई है इसमें इन्होंने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई थी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इनको सनफ्लावर जो है बहुत अधिक पसंद था और कहीं ना कहीं इनको बनाते बनाते हम लोग कहते हैं ना कि हस्त कलाकार हो गए हैं यानी हस्त सिद्ध कलाकार हो गए हैं यानी कि वो चीजें और भी ज्यादा अच्छी बनाते हैं ठीक है। अब अगर इसकी बात करें ये लंदन नेशनल गैलरी में ये जो पेंटिंग है उसको डिस्प्ले किया गया है, और अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत क्या है 84.2 मिलियन डॉलर इसकी लगभग कीमत है, यानी कि अगर हम भारतीय करेंसी के हिसाब से बात करें ना कन्वर्ट करके तो इट्स 693 करोड़ रुपीज यानी कि लगभग जो है 700 करोड़ के आसपास जो है क्या है इसकी कीमत है। अब इसके बारे में बात क्यों की जा रही है? देखिए इसके बारे में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी रिसेंटली दो लड़कियां थी वो ये पेंटिंग देखने गई थी और उन्होंने क्या किया इस पे टोमेटो केचप डाल दिया था ठीक है, टोमेटो केचप डाल के यानी इस पे थोड़ा सा फ्रेम लगा था तो पेंटिंग तो बच गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया ये जो दो लड़कियां थी ये किसी संस्थान से थी यानी कि कोई जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एनजीओ है वहां से थी, और ये वहां पे जोर जोर से नारे लगा रही थी चिल्ला रही थी कि लोगों को पेंटिंग की ज्यादा पड़ी है जो क्या है जिसमें जीवन नहीं है और जो लोग भूखे मर रहे हैं बाहर सड़कों पे मर रहे हैं या और भी इसके साथ साथ उनका कुछ और भी था कुछ ऑयल को लेके कुछ बात हो रही थी वहां पर कोई ऑयल रिफाइनरी या कुछ इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा था वो उसका विरोध कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट होना चाहिए ठीक है। तो मुख्य रूप से उस जो प्रोजेक्ट है उसको लेके उनका आपस में गवर्नमेंट के साथ विवाद चल रहा था, जब उनको कोई बात नहीं सूझी तो इस तरह का उन्होंने स्टेप उठाया और इस पेंटिंग उन्होंने खराब करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद जो है ये पेंटिंग काफी सुर्खियों में आ गई थी, और ये पेंटिंग कौन सी है बिल्कुल आपके सामने है इसी तरह की पेंटिंग है ठीक है जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब होता क्या है ना यहाँ पर देखिए ये सुर्खियों में है तो अब आपको ये तो पूछा नहीं जाएगा कि भाई इस पे सॉस गिराई थी या इस पे जो है चाय गिराई गई थी, होगा क्या कि हो सकता है ये चीज अभी सुर्खियों में है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाए कि भाई ये जो सनफ्लावर है जैसे भी क्वेश्चन मैंने आपको सेट किया है ठीक है सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है यही क्वेश्चन आपको आ जाए ठीक है। होता क्या है जो मैंने आपको कहा है बार बार खासकर जब हम कला की बात करेंगे, और मैंने आपको एक दो बार पहले भी मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ ठीक है, जैसे हमने बात की थी सुनील पटवर्धन उनको लेके मैं हमेशा बात करती हूँ और इस साल भी उनकी नई पेंटिंग्स आई है नए एग्जीबिशंस हैं, अभी उसका मुझे मटेरियल थोड़ा कम मिल रहा है कौन कौन सी पेंटिंग्स है उनके बारे में भी हम देखेंगे ठीक है, तो जो सुर्खियों में होता है वो आता जरूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यंग मैन होल्डिंग ए राउडेल ये 15वीं सदी की पेंटिंग है जो हाल ही में चर्चित रही, किसकी है? ये सेंड्रो बोतिसेली की है, विंसेंट वॉन गॉग की है, के हेब्बर की है, ये लिक्की लिकली किसकी है ये जी?
अभी तो आपके और होश उड़ेंगे, अभी आप रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप क्या है, और पेंटिंग्स की बात करेंगे हम लोग ना, तो आपके अभी और समझ में आएगा, क्योंकि जो वैल्यू है क्या है, ठीक है, समझ लीजिए, क्योंकि जो वैल्यू है, आपका पूरी फैमिली का फ्यूचर उससे सिक्योर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्या है जी इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सबको पता है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा बिल्कुल। और मैंने खुद ही नोटिस किया कि मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जो है ए पे आज आंसर लगा दिया है, ठीक है, सेंड्रो बोतीसेली। अब अगर हम बात करेंगे कि भाई सेंड्रो बोती लीकी लिखा है यहाँ पे, सेली होगा, ठीक है, इसको भी याद ठीक कर लेंगे हम लोग। किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे, इटली के, जर्मनी के, यूनान के या जापान के? किस देश के ये चित्रकार हैं? नहीं, बी नहीं, ए आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। बी तो हमने अभी देख लिया, बी अभी हमने देख लिया, बिल्कुल। ठीक है जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल 14th का भी ए होगा, इटली। ठीक है, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने मैक्सिमम आंसर ए पे लगाया, चलिए कोई बात नहीं, क्या है जी इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे सेंड्रो पोतिसेली, जो क्या है, इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार है, सबको ही पता है, रट्टा मार के बैठे हैं हम लोग जी। देखिए, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, कब, 15वीं सदी में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, नाम है यंग मैन होल्डिंग अ राउंडेल। और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले ये जो पेंटिंग है इसका ऑक्शन हुआ था, नीलामी हुई थी, और इसकी जो बोली लगी है वो अभी तक की सबसे ज्यादा महंगी पेंटिंग्स में से ये पेंटिंग बन गई है। किसकी है ये? इटली के कलाकार सेंड्रो बोतिसेली की है, पुनर्जागरण कलाकार है, और इस पेंटिंग की कीमत जो है 67 अरब, ठीक है, कितनी है, 67 अरब रुपीज में ये बिकी है। अभी बात क्या की जा रही है, रुपीज भारतीय करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक। हाँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, चलिए ठीक है, क्या है, 67 अरब, ठीक, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। और ये वो पेंटिंग है, वो आप पेंटिंग भी देख सकते हैं, क्या है, यंग मैन होल्डिंग ए राउंडेल। अब यहाँ पे ये राउंडेल भी आपको दिखाई दे रहा है और ये यंग मैन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसी पेंटिंग की जो है इतनी कॉस्ट लगाई गई है, ठीक है जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत प्रभात, चलिए ठीक है जी, चलिए। कौन सी भारतीय कला जो अमेरिका के वर्चुअल किक ऑफ समारोह का भाग रही है, कौन सी कला है ये? मधुबनी बिहार की है, या वर्ली महाराष्ट्र की है, कांगड़ा शैली है, या कोलम तमिलनाडु की है? और जब हम ये बात करेंगे ना, अमेरिका में जो ये वर्चुअल किक ऑफ समारोह हुआ था, तो यहाँ पर जो है जो ब्रिटिश राष्ट्रपति है वहां के, जो बाइडेन, और साथ में जो उनकी जो एक और जो इंडियन ओरिजिन की है ना, एक और गीता कपूर या समथिंग, उसका उनका ऐसा नाम है, ठीक है, अभी उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कोलम तमिलनाडु की, ठीक है। और कोलम जो है ये तमिलनाडु की एक क्या है, लोक कला शैली है, क्या है, लोक कला, ये पारंपरिक शैली है। और जो बाइडन और कमला हैरिसन, सॉरी मुझे गीता का नाम याद आ रहा था, बाइडन और कमला हैरिसन ने जो ये वर्चुअल किक ऑफ समारोह का उद्घाटन किया था, वहां पर इस कला को भी क्या किया गया था, इसको भी सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इट्स ऑन 30 अप्रैल, 15 अप्रैल, 29 अप्रैल या 10 अप्रैल, कब मनाया जाता है? चलिए, हाँ सबको लगा यहाँ पर भी ए ऑप्शन होगा। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इसके बारे में तो सबको पता होना चाहिए, कब मनाया जाता है जी? देखिए, अभी लास्ट क्लास में जब हमने करंट की थी, वहां पर हमने क्या क्या देखा था, अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस देखा था, ठीक है जी। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस देख रहे हैं, बिल्कुल। 16th क्या क्या है, आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल दीपक बिल्कुल सही कह रहे हैं, 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, और 15 अप्रैल को कला दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपने, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, दोनों क्या है, एक ही मंथ में पड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का विषय क्या है, ये नृत्य कला है, नृत्य की कला है, नृत्य का उद्देश्य है, दुनिया के साथ नृत्य है,
थीम की बात की जा रही है एक्चुअली यहाँ पे। बिल्कुल 29 अप्रैल, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस मनाया जाता है, ठीक। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे, 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ठीक है जी, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नृत्य का उद्देश्य। अब एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, बात कर रहे हैं हम लोग अप्रैल की, कब की? जी 29 अप्रैल की हमने बात कर ली, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद हम 2021 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब तो अप्रैल अगर हम बात करें, हमें 2022 के अप्रैल की बात करनी चाहिए कि इसका थीम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो आपने समझनी है, जो इस साल का नृत्य दिवस मनाया गया था उसका अगर हम परस्पेक्टली बात करें तो उसका कोई इस तरह का थीम नहीं रखा गया था, वहां से सिर्फ एक मैसेज दिया गया था और वो मैसेज काफी लंबा चौड़ा था। आप उसको थीम भी समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अपने फिजिकल स्वास्थ्य के लिए नृत्य कर सकता है। जो भी आपको नृत्य आता है, किसी भी तरह का नृत्य, ये वहां से मैसेज दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक थीम की, तो इस साल उस तरह की कोई स्पेसिफिक थीम जो है अभी तक डिसाइड नहीं की गई थी हमारी जानकारी के अनुसार। अब आगे आगे होगी तो उसको भी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं कुछ भी हुआ है। अगर हम 2021 की बात करेंगे तो वहां पर नृत्य का उद्देश्य ये थीम रखी गई थी, ठीक है। तो इस चीज से आपको ये भी पता चल गया। अब अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है कि भाई 2021 का जो थीम था नृत्य का उद्देश्य है। अब नृत्य दिवस मनाया क्यों जाता है? तो नृत्य दिवस जो है ये एक महान रिफॉर्मर थे, इनका नाम है जीन जॉर्ज नोवेर। ये क्या है, इन्होंने अगर हम बात करें ना, कई सारी जो डांस फॉर्म्स थी, हम लोग कह सकते हैं कि उनके जनक ये हैं। कई सारी ऐसी चीजें थी, नृत्य की बात करें, फॉर्म्स की बात करें, तो उनके जन्मदाता यही थे, और इसीलिए इनके जन्म दिवस के रूप में, इनको याद करने के रूप में उसी डेट को, यानी 29 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन इनका बर्थडे होता है 29 अप्रैल को, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कट्टी बीहू क्या है? कट्टी बीहू क्या है? ये फूलों का त्योहार है, फलों का त्योहार है, फसल का त्योहार है, या ये एक पूजा है? क्या है? कट्टी बीहू की बात की जा रही है। चलिए क्या है 18th का आंसर, सब लोग देंगे जल्दी से, ठीक है जी। तो सुनील गौतम कह रहे हैं सी ऑप्शन है, दिव्या कह रही है सी है, सुषमा कह रही है बी है, द ड्राइंग क्लासेस बी, स्वप्निका कह रही है सी है। देखिए क्या है, ज्यादा इसको हम वेट नहीं करते हैं, ठीक है जी। क्या है राइट आंसर? हो जाएगा सी ऑप्शन, फसल का त्योहार है। क्या है? कट्टी बिहू फसल का त्योहार है। कट्टी बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, या सिक्किम का? बात की जा रही है कट्टी बीहू की, कहाँ का ये त्योहार है। जी बिल्कुल राहुल सही कह रहे हैं, फसल का त्योहार है, कहाँ का त्योहार है ये बताएंगे आप। वेरी गुड इवनिंग शैलेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। जी असम का है बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, 19th का ए ऑप्शन सही है, असम का त्योहार है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे। देखिए चाहे हम बिहू की बात करें, चाहे हम कट्टी बिहू की बात करें, असम का त्योहार है, मुख्य रूप से कृषि से संबंधित त्योहार है। कब मनाया जाता है? इस साल की अगर हम बात करें तो ये अभी 18th ऑफ अक्टूबर 2022 को, यानी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ये जो फेस्टिवल है ये असम में सेलिब्रेट किया गया है। देखिए जब हम बिहू की बात करते हैं, बिहू असम में मुख्य रूप से 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। अभी तो आप लोगों को एक ही बार पता होगा, जैसे नृत्य भी है, बिहू जो है मुख्य रूप से 3 बार जो है पूरे साल भर में मनाया जाता है। कौन कौन है? पहला जो बिहू है उसको बोला जाता है भोगली या माघ बिहू, जो 13 से 14 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है रोंगाली या बोहाग बिहू, और ये जो है ये 14 से 15 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है कट्टी बिहू मनाया जाता है। और ये जो अगर हम जो देसी महीनों की बात करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना चैत्र
अषाढ़, ये जो हमारे जो देसी महीने हैं, इसी तरीके से असम में जो देसी महीने हैं उसमें कट्टी महीना आता है, ठीक है। कट्टी महीना जो अभी अक्टूबर के मिड में आता है, तो इसी महीने का जो पहला दिन होता है उस दिन कट्टी बिहू मनाया जाता है, इसीलिए इसको कट्टी बिहू नाम दिया गया है, क्योंकि कट्टी जो है ये इनका देसी महीना है। अब यहाँ पर अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये देखिए सारे के सारे तीनों की बात करेंगे, तीनों बिहू जो है ये कृषि से संबंधित है, फसल से संबंधित है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने डेट मेंशन की है, रीजन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि जब भी फसल की कटाई का टाइम होता है उसी समय पर यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाते हैं, यानी कि फसल की कटाई हुई, जो नई फसल आई उसके बाद जो है इस तरह से ये बिहू सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब हम थर्ड वन की बात करेंगे, कट्टी बिहू की जब बात करते हैं, इसको कहा जाता है कि ये इन तीनों में सबसे गरीब बिहू है, इसको कहा जाता है वहां की लोकल भाषा में गरीब बिहू। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इनका मानना है कि इस समय तक, यानी कि अक्टूबर का ये जो समय आएगा, इस समय तक ना तो अधिक सब्जियां बचती हैं और जो अन्नागार है, यानी कि जो स्टोरेज होती है फूड की, वो ऑलमोस्ट क्या है, खत्म होना शुरू हो जाती है। इस समय जो नया, फिर बाद में क्या है, नया जो उपज आएगी, मुख्य रूप से इस समय जो चावल की रुपाई है वो की जाती है मुख्य रूप से, ठीक है। और चावल की रुपाई करने के बाद ये वाला जो जो फेस्टिवल मनाया जाता है, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और साथ में ये एक इमेज आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये देखिए धान के खेत हैं जहां पर धान की रुपाई करने के बाद बांस के डंडों पर इस तरह से दीपक रखा जाता है, ताकि ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ताकि अगले साल की जो फसल है वो अच्छी हो, ठीक है। इसलिए इसको मनाया जाता है, क्या है, ताकि अगले साल की जो फसल है वो अच्छी हो। और रात के अंधेरे में जब ये दीपक जलता है तो ये अपने तरफ जो है सारे कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं ये जो है ये फसल को बर्बाद ना कर पाए, कहाँ पे आए, रोशनी की तरफ आए। और ये पूरा 1 महीने तक ऐसा करते हैं, ये जो दिए जो है पूरा 1 महीने तक ये कार्य किया जाता है। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जैसे भी हम बात करेंगे, इस समय पे आपने देखा होगा कि जब ये दिवाली का समय आता है, इसी समय पे ये भी मनाया जाता है वहां पर, तो दिवाली के आसपास जो 1 मंथ होता है उसमें आपने देखा होगा काफी सारे जो कीट पतंगे हैं वो आपको दिखाई देंगे, जैसे आप लाइट ऑन करेंगे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। तो ये वो सीजन होता है जिस समय इस तरह के कीट पतंगे जो है बाहर निकल के आते हैं, तो वो फसलों को ना नुकसान पहुंचाए, एक रीजन ये भी है, इसलिए भी इसको यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग हाल ही में किस देश में मिली है, भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या जापान में, कहां पर मिली है? चलिए हाँ, ये थोड़ा सा क्या है तो पता चलेगा ना कि भाई क्यों बनाया जाता है, इसीलिए इसको कहा भी जाता है इसके बारे में कि भाई सबसे गरीब बिहू है ये, बाकी बिहू में काफी सारे फल होंगे, फूल होंगे, इस समय पे थोड़ा सा ये मौसम ही ऐसा होता है, ठीक है जी। बिल्कुल सही, इंडोनेशिया बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है जी। तो देखिए इंडोनेशिया में जो वहां के पुरातात्विक जो करने उत्खनन जिन्होंने किया, या इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, यानी कि सीधे सीधे बात करें इसी डिपार्टमेंट के, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत पुरानी 45,500 साल पुरानी उन्होंने एक चित्र को खोज निकाला है, और वो चित्र जो है किसका है, उसमें एक जंगली सुअर का चित्र है, ये उसमें दिखाया गया है एक जंगली सुअर, और इसको कहा गया है कि अब तक का प्राप्त ये सबसे पुराना चित्र है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है ये हमें, इंडोनेशिया में प्राप्त हुआ है, कौन सा है, जंगली सुअर का ये चित्र है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्टून कला का पितामह किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए है के शंकर पिल्लई, बी है आर के लक्ष्मण, सी है आबू अब्राहम और डी है रंगा कुट्टी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। क्या है जी, कार्टून कला का पितामह किसे कहा जाता है? बिल्कुल, देखिए चाहे कोई भी स्टैचू की बात करेंगे वो तो होगा ही, ठीक
ठीक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। जब हम वास्तुकला की बात करेंगे, स्थापत्य कला की बात करेंगे, चित्रकला की बात करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप 2020 या 19 का एक पेपर था उसको अगर आप उठा के देखेंगे ना, वहां पे राग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है जो म्यूजिक के दो तीन क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में, कला वाले में। ठीक है, तो क्या है ये, कुछ ये जो विविध क्वेश्चन आते हैं ना कुछ, ये तो कहीं से भी उठा के पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्या होगा जी इसका, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, नहीं बी नहीं होगा। क्या है ए ऑप्शन, ए शंकर पिल्लई। अब इनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है जी, विश्व कार्टूनिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को, 5 मई को, 29 मई को, या 10 मई को। अब आपको दो तीन चीजें एकदम याद रहेंगी। 15 अप्रैल को जी हमने क्या मनाया है, ठीक है, 15 अप्रैल को हमने आर्ट डे मनाया है, इंटरनेशनल आर्ट डे। ठीक है, उसके बाद 29 अप्रैल को हमने क्या बनाया है, उस दिन हमने इंटरनेशनल डांस डे बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद 5 मई को, सॉरी आंसर मैंने खुद ही बता दिया, क्या है 5 मई को हम लोग विश्व कार्टूनिस्ट दिवस मनाते हैं। कब है, 5 मई को कार्टूनिस्ट दिवस है। अब ये तीनों डेट्स जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक साथ है, करना क्या है इसको एकदम रट्टा मार लीजिए। वैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले चित्रकला है, फिर नृत्य कला है, अब उसके बाद क्या है हमारे कार्टूनिस्ट है, वो पीछे क्यों रहे, तो वो भी आ जाएंगे लाइन में। 5 मई को जो है क्या मनाया जाता है, विश्व कार्टूनिस्ट दिवस मनाया जाता है। अब इसकी डिटेल देखेंगे, देखिए पता चल गया कब मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में कार्टून कला जो है इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो ब्रिटिश काल में ही हो गया था। कब हुआ था, ब्रिटिश काल में हुआ था। और अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहला, या अगर हम बात करें कि भारत में जो कार्टूनिस्ट है या कार्टून कला का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केशव शंकर पिल्लई को। किसको कहा जाता है, केशव शंकर पिल्लई को कहा जाता है। ये शंकर के नाम से ज्यादा विख्यात थे ये, और इन्हें कार्टून कला का पितामह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने 1932 से ही हिंदुस्तान टाइम्स में इनके कार्टून छपना आरंभ हो गए थे। यानी कि सबसे पुराने जो करने वाले हैं ना कार्य इस तरह का, उनमें कौन है, शंकर, केशव शंकर पिल्लई हैं, ये भी आते हैं। ठीक है, इनको जो है जनक कहा गया है, केशव शंकर पिल्लई को, कार्टून कला का। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, प्रमुख भारतीय कार्टूनिस्ट आपके सामने है, और जितने नाम ये यहाँ पर है इससे डबल और नाम भी है। करना क्या है, गूगल फूफा जी को पूछ लेना है, क्योंकि कभी कभी अगर हम स्पेसिफिक बात करेंगे कार्टून कला से, तो अगर आपने देखा होगा कि एक दिन मैं देख रही थी इस पे आज तक न्यूज चैनल पे, वहां पर भी एक इरफान नाम के कार्टूनिस्ट थे जो बहुत अच्छे कार्टून बना रहे थे, और वो भी काफी फेमस है। उनका नाम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हो सकता है कि जो नए अभी कलाकार हैं, जो इस तरह के कार्टूनिस्ट हैं, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और आपको उनके बारे में नहीं पता है, तो सर्च करना है उनके बारे में, एक बार देखना जरूर है। ठीक है, अगर बात करेंगे कौन कौन से प्रमुख कार्टूनिस्ट हैं भारत के, तो सबसे पहले के शंकर पिल्लई हैं, उसके बाद आर के लक्ष्मण आएंगे, आबू अब्राहम है, रंगा कुट्टी है, मारियो मिरांडा है, इनके बारे में हम देख चुके थे, केशव काक है और मीता रॉय है, सुधीर दर है, सुधीर तेलंग है, मंजुल है, उसके बाद शेखर बुरेरा है, बाल ठाकरे हैं, प्राण है, नीरद है, और आविद सूरती है। ठीक है, इसके साथ जितने हैं उतने ही और भी हैं, इनको भी आपने क्या करना है, एक बार देखना जरूर है। ठीक है जी, बिल्कुल, बाल ठाकरे इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगर हम करंट की बात करें, इसके साथ हम आर के लक्ष्मण हैं, इनको हम लोग कवर कर चुके हैं, मारियो मिरांडा के भी कुछ कार्टून है मैंने आपको दिखाए थे, इसके साथ साथ एक दो और भी थे, अब मुझे खुद भी याद नहीं है। ठीक है जी, आपने करना क्या है, करंट अफेयर्स की क्लासेस में कराए ये भी। ठीक, अब ये क्या है, ये वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे पे एक कार्टून बनाया गया था, इसके बारे में पता नहीं किसका है, शायद है इंडियन ही कोई कार्टूनिस्ट है, उनका एक कार्टून है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है किसका है। ठीक है जी, ओके, ऋषि, उत्तराखंड और हरियाणा के पेपर। ठीक है जी, बिल्कुल, देखिए स्टेट के, जब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर जब कराती हूँ उसमें मैं स्टेट के क्वेश्चन जरूर लेती हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कराएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेस म्यूरल पेंटिंग जो हाल ही में चर्चित रही किससे संबंधित है, ये कॉल्ड मोने या मोनेट इनसे संबंधित है, एडोर्ड मोनेट इनसे संबंधित है, बाइसन से या बाउट से, किससे ये संबंधित है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बोलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। क्या है जी, लेस म्यूरल पेंटिंग, ये भी बड़ी चर्चा में रही है, और जिस समय द फ्लावर जो पेंटिंग थी ना, अभी हमने वॉन गॉग की पेंटिंग देखी है, उस समय ये भी चर्चा में रही है। अब इसका भी मिलता जुलता रीजन ही है उससे।
बिल्कुल लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम नहीं है, उनका नाम भी है, और वो क्या है, वो भारत के पहले व्यंग्य चित्रकार उनको कहा गया है। आधुनिक, आधुनिक जरूर लगाना है पहले, क्या है, आधुनिक, ठीक है। पहले अगर हम बात करेंगे तो उनसे पहले यहाँ पर इनका नाम भी आता है। यूपी का प्रीति में करा चुकी हूँ, तो 2021 का और आई थिंक 20 का, टीजीटी का और पीजीटी का दोनों में करा चुकी हूँ। आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स में एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन आई थिंक हो सकता है वो चैनल हमारा हैक हो गया था, तो उसपे भी कुछ काफी सारे मटेरियल चला गया उस चैनल पे। बहुत बढ़िया, क्या है जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, बिल्कुल सही है, ए आंसर सही होगा, क्लार्क मोनेट। ठीक है, अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इनका एक ही क्वेश्चन मैंने डाला था। देखिए, ये जो उन्होंने लेस म्यूरल्स पेंटिंग जो उन्होंने बनाई है ना, यहाँ पे जब जो पॉल वॉन गॉग थे, जब उनकी पेंटिंग पे क्या है, वहां पे सूप डाला गया था, तो उसके ठीक 9 दिन के बाद इनकी पेंटिंग पे आलू फेंके गए थे। क्या फेंके गए थे, आलू फेंके गए थे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे वहां पर क्या है, वहां पर जैसे जो है विरोध किया जा रहा था कि भाई जो ऑयल का जो कुछ है बन रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, उससे संबंधित कुछ काम किया जा रहा था, तो भाई उससे उन्होंने कहा कि भाई वो नहीं होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलेगा, काफी सारी चीजें थी। तो उसी उसी तरज में आगे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल थे शायद, इन्होंने क्या किया, ये पेंटिंग को देखने गए और इनके पास आलू थे और इन्होंने आलू फेंक दिए पेंटिंग पर। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने अपने हाथ पर कोई ग्लू लगा दी और वो ग्लू बहुत स्ट्रांग थी, और अपने हाथ पेंटिंग के पास दीवार में चिपका दिए। अब वो चिपकाए क्यों, ताकि लोग जो है उसको जल्दी से वहां से ना निकाल पाए। और उसके बाद ये जोर जोर से वहां पर नारे लगाने लगे, चिल्लाने लगे कि दुनिया बाहर ठंड से मर रही है, लोग बाहर ठंड से मर रहे हैं, और ये लोग पेंटिंग देखने आ रहे हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि मानव को मानव की नहीं पड़ी है, मानव जो है मानव को नहीं देख रहा है, अपितु तो इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं उनके संरक्षण में इतना खर्चा किया जा रहा है, लोग सड़कों पे बाहर भूखे मर रहे हैं। तो इस तरह के इन्होंने नारे वहां पर लगाए थे, ठीक 9 दिन के बाद। ठीक है जी, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ निर्मित किया जा रहा है, लोथल में, कालीबंगा में, चंद्रडहो में या हड़प्पा में? कहाँ पे निर्मित किया जा रहा है? और जब हम संस्कृति की बात करेंगे ना, अभी यहाँ पे जब से ये पिछले 4-5 सालों में इतना संस्कृति को लेके काम हो रहा है ना, यहाँ पे आप लोगों का काम ये बढ़ गया है कि आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, इसका आंसर आना चाहिए। 15 कलाकारों ने 29 बार नृत्य मई में 5 बार देखा था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, दीपक जो है ये हमारे ट्रिक गुरु हैं। बहुत बढ़िया, चलिए, क्या है जी, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पर निर्मित किया गया है? बिल्कुल सही है, क्या है, लोथल, ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, लोथल में। अब एक क्वेश्चन और देख लेंगे, कहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय निर्मित किया जा रहा है? पता चल गया आपको, ए ऑप्शन लोथल गुजरात में, बी लखनऊ में, सी कोलकाता में, डी कानपुर में। पैग ग्रुप के सभी के बारे में, देखिए ग्रुप के बारे में वैसे मैंने एक क्लास अलग से ली थी, ठीक है, लेकिन ठीक है, जो जितने भी कलाकार हैं इनकी क्वेश्चन आंसर इसके भी देख लेंगे, क्योंकि आई थिंक शायद मैंने क्वेश्चन आंसर वहां डाले थे, लेकिन क्लास काफी लंबी चली गई थी, तो क्वेश्चन आंसर शायद मैंने आपको नहीं कराए थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, देखिए इसके बाद भी कई लोग सी पे आंसर लगा रहे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोथल गुजरात में। रीजन क्या है, देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर आप वैसे समझ गए होंगे जब आप लोथल का नाम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, विश्व का सबसे पुराना जो गोदी स्थल है, गोदी स्थल होता क्या है, गोदी कहा जाता है डॉक को, जो सी डॉक होता है, ठीक है, जहां पे जहाज आके रुकते हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है डॉक, उसको कहा जाता है गोदी, उसी को कहा गया है। अब देखिए, लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री जो विरासत परिसर है इसको विकसित किया जा रहा है। थोड़ा से जहरीले वर्ड्स हैं, आधे जो है बाउंसर्स पढ़ रहे होंगे, सब सिंपल सी भाषा में समझते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे ना सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, तो लोथल की अगर हम बात करेंगे तो भारत में जो है
गुजरात या लोथल, जो गुजरात में लोथल है वो सिर्फ एक बंदरगाह था, बाकी आपको पता है बाकी अलग जगह है, पाकिस्तान में आ गए, अफगानिस्तान में अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन भारत में कहाँ है, भारत में सिर्फ ये जी हमारे पास कहाँ पर था, लोथल में था। अब जिस तरह से उसको उस समय पे वहां पर वो था, उसी तरह से यानी कि जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उसी तरह से इसको दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इसका जो है एक थोड़ा सा एक मैप के तौर पर, एक नक्शा जैसा, इसका जो है एक पिक्चराइजेशन जैसी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये माना गया है कि कुछ इस तरीके का ये बना हुआ था, तो इसी तरीके से इसको दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब होगा क्या, उस समय के हिसाब से ये ऐसा बना था, इसको दोबारा से ऐसे ही विकसित किया जाने का किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी से उसको बनाया जाएगा, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऐड की जाएगी, और इसी तरह से जैसे उस समय पे लोथल था उसी तरह से थोड़ा बहुत उसपे कार्य किया जा रहा है कि उसी तरीके से उसको दिखाया जाएगा जैसे ये पिक्चर आपके सामने है। ये क्या है, लोथल विश्व का सबसे पुराना जो गोदी स्थल है, ये गोदी स्थल आप देख पा रहे हैं, अगर अभी हम देखेंगे ना तो जो डॉक यार्ड्स होते हैं कैसे होते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखे होंगे आपने, लकड़ी का बना रहता है कि और मेटल का बना रहता है, जहां पर जहाज जाके रुकते हैं। ठीक है जी, अब इसके साथ अगर हम बात करें कि इसकी जो इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, अभी रिसेंटली 18 अक्टूबर को, 18th October 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या है, इसके जो निर्माण है उसकी समीक्षा की है, और इसको क्या है, इसको विकसित किया जा रहा है, इसकी जो सारी प्रक्रिया है वो आरंभ कर दी गई है। कहाँ पर है जी, ये गुजरात में, और यहीं पर ही विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है यहीं पे, यानी कि पूरा जिस तरह से बनाया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा, उसी में विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय भी यहाँ पर बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर 14 दीर्घाएं जो है वो बनाई जाएंगी, ताकि जो हड़प्पा काल का जो विरासत थी, चाहे पिक्चराइजेशन के माध्यम से बात करें चाहे अन्य माध्यमों से बात करें, तो उन विरासतों को हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे, उसके लिए कितनी 14 दीर्घाएं यहाँ पर बनाई जानी है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया, बिल्कुल। जो PDF है वो आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है जी, प्रीति कोई इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सारे नए हैं तो कहाँ से ठीक होगा। ठीक है, देखिए आज आपने क्लास अटेंड कर ली है, इसके बाद अब गलत नहीं होगा, अब इसको जब दोबारा आप एक बार ना देखेंगे ना तो उसके बाद ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, ये इससे पहले की जो करंट क्लासेस है ना वो और भी ज्यादा अच्छी है, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हो क्या रहा है ना कि अब ये कौन से वाले करंट अफेयर्स हैं जो बच गए हैं पीछे से, जो मेन मेन वाले हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इससे पहले वाली क्लासेस में हो गए हैं। जैसे हम बात करें कि भाई सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, उनकी बात करें, इधर हम बात करें अभी जो हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है उसकी बात करें, उसके ऊपर जो अशोक स्तंभ जो स्थापित किया गया है उसकी बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कलाएं हैं, कौन कौन सी हैं जो नई जिनको GI टैग मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने करंट अफेयर्स में कंप्लीट की हैं, देखना है आपने। ठीक है जी, रजा साहब की जो एग्जीबिशन है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की कराई गई है, और इस साल का जो पद्म भूषण सम्मान है किसको दिया गया है, तो इस तरह के कला के क्षेत्र में काफी सारी चीजें हैं जो कवर कर चुके हैं, देखने कहाँ पे हैं, जो करंट अफेयर्स की पुरानी क्लासेस हैं वहां पर आप लोगों ने देख लेना है जो बच्चे नए हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, तो आज का सेशन गाइस यही एंड करेंगे, जो बच्चे क्लास में नए हैं करेंगे क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करना है और शेयर तो जरूर जरूर करना है। ठीक है जी, अब ये आपके सामने टेलीग्राम लिंक है, यहीं से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही है। ठीक है जी, कल गाइस आपकी शाम वाली क्लास नहीं होगी, यानी ये जो क्लास अभी चल रही है ये कल आपकी क्लास नहीं होगी, एज यू नो मेरी कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, बीच बीच में मुझे एक दो बार जाना पड़ेगा, तो कल और शाम को ही मैं जा पाऊंगी। ठीक है, तो कल जो है कल आपकी शाम की क्लास नहीं होगी, सुबह की क्लास हम लोग लेंगे, सुबह जो है हम लोग मुगल शैली कल आरंभ करेंगे। ठीक है जी, 10 बजे जो हमारी हरियाणा एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पे होती है, जो स्टूडेंट नए हैं जिनको नहीं पता है, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे हमारी क्लास रहती है हरियाणा एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पे। ठीक है जी, हरियाणा एग्जाम और बाकी चैनल सेम है, रिजल्ट गुरु। ठीक है जी, सॉरी रिजल्ट गुरु, और शाम वाली क्लास इसी चैनल पे रहती है, UPTST PhD रिजल्ट गुरु पे। ठीक है, कब होती है, 8 बजे से। ठीक है जी, लेकिन कल ये क्लास नहीं होगी, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, परसों अब आपकी क्लास चलेगी, परसों हम पश्चिमी शैली आरंभ करेंगे। ठीक है जी,
बिल्कुल एकदम प्रारंभिक तौर पे कहाँ से क्या है बीज बोए हैं वहां से पश्चिमी शैली आरंभ करेंगे पर्सन से। ठीक है जी, तो तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, सी यू एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।